नमस्कार दोस्तों, अंग्रेजी में एक जुमला है, मेक नो मिस्टेक। और मैं यही कहना चाहता हूं, मेक नो मिस्टेक, केरला के नतीजे, उत्तर प्रदेश के नतीजे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार है। और मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि केरलानों को लेकर लगातार एक प्रोपेगेंडा एक अरसे से चलाया जा रहा था। और वो प्रोपेगेंडा क्या था? वो प्रोपेगेंडा ये था कि यहां से हिंदुओं का पलायन हुआ है। ये प्रोपेगेंडा ये था कि यहां पर हिंदू असुरक्षित हैं। वो प्रोपेगेंडा ये था कि यहां के मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। आप खुद जानते हैं कि जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि 2013 की हो, अगर इन दावों में अगर रत्ती भर भी हकीकत होती तो आप सब जानते हैं कि कैराना की का क्या परिणाम होता, कि चुनावों का क्या परिणाम होता। और हम ये ना भूलें कि मृगांका सिंह मरहूम हुकुम देव नारायण सिंह की बेटी हैं, जिनके साथ सहानुभूति का फैक्टर भी है। यानी कि एक तरफ दबे कुचले हिंदुओं की दास्तान, तथा कथित दास्तान, वो प्रोपेगेंडा जिसे फैलाने में कई चैनल्स मदद दे रहे थे। इसके बाद मृगांका सिंह, जिनके पास सहानुभूति का फैक्टर था। और तीसरी बात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपनी पृष्ठभूमि जो लगातार हिंदू और मुसलमान मुद्दों को लेकर निहायत ही संवेदनशील रहा है, निहायत ही सेंसिटिव रहा है। और उससे भी बड़ी बात, जैसे हर बार बीजेपी करती है, ये कहा जाए जैसे हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाने का काम। आपको याद होगा कि कर्नाटक चुनाव की जब कैंपेनिंग खत्म हो गई थी, तब कितनी खूबसूरती से प्रधानमंत्री ने अपना कार्यक्रम नेपाल में रखा था। और नेपाल में रखने की वजह यह थी कि वहां से उन्होंने मंदिर दर्शन किए, और जिस दिन तमाम न्यूज चैनल्स में कर्नाटक की वोटिंग की खबरें दिखाई जा रही थी, साथ ही कर्नाटक में इन खबरों के साथ साथ नेपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से हिंदू मंदिरों के दर्शन कर रहे थे, वो तस्वीरें भी दिखाई जा रही थी। यानी कि बहुत ही खूबसूरत मगर चालाक सोच, इलेक्शन कमीशन की तमाम दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए। और यही कैराना में भी हुआ। आपको याद होगा कि एक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ और प्रधानमंत्री ने एक रोड शो किया। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं? और हम सब जानते हैं कि इस एक्सप्रेसवे का जो रोड शो था, उसका असल निशाना कैराना था। योगी खुद लगातार कहते रहे कि ये चुनाव लव जिहाद पर है, ये चुनाव जिन्ना पर है। आपके तमाम मंत्री वहां मौजूद थे, प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, बावजूद इसके कैराना की हार हुई। और किसके हाथों हार हुई? एक मुसलमान महिला के हाथों। गौर कीजिए इस बात पे, क्योंकि बीजेपी लगातार हिंदू मुसलमान का खेल खेलती है। जब तबस्सुम मैदान में उतरी थी तो उस वक्त मुझे लगा कि खेल खत्म हो गया विपक्ष का। मुझे लगा कि तबस्सुम बुरी तरह से हार जाएंगी मृगांका के हाथों, क्योंकि बीजेपी एक बार फिर हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलेगा और विपक्ष उनके सामने धराशायी हो जाएगा। मगर तबस्सुम और जयंत चौधरी की जो पूरी स्ट्रैटेजी रही, बहुत शानदार रही, वो एक सबक है हमारे विपक्ष के लिए। उन्होंने कभी हावी नहीं होने दिया, हावी कभी नहीं होने दिया बीजेपी को, जबकि बीजेपी के पास धन बल था, बीजेपी के पास चेहरे थे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए रोड शो करने के लिए, तो ये तमाम चीजें थी, ये अप्रत्याशित है। और बावजूद इसके अगर कैराना में बीजेपी हार जाती है तो ये हार काफी मायने रखती है। ये एक आघात है बीजेपी के लिए, तो आघात है ही, मगर उससे बड़ा आघात है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। बीजेपी के लिए हार इसलिए कि आपने तमाम पैंतरों का इस्तेमाल किया, आपने
हिंदू कार्ड खेला, आपने लव जिहाद की बात की, प्रधानमंत्री मैदान में उतर आए, योगी आदित्यनाथ मैदान में थे, इन तमाम चीजों के बावजूद बीजेपी को हार मिली। और ये ना भूलें कि कितनी शानदार जीत मरहूम हुकुमदेव नारायण को मिली थी, और अब किस तरह से बाजी पलटी है। यह एक सबक है विपक्ष के लिए कि अगर आप अपने निजी हितों से ऊपर उठकर यह सियासी लड़ाई लड़ेंगे तो बीजेपी को आप हरा सकते हैं। तब 2019 के चुनाव के कोई मायने हैं। और यह सबक है बीजेपी के लिए कि आपकी हट धर्मिता, आपके एरोगेंस, आपके अहंकार का को जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। बहुत ज्यादा अहंकारी हो गए थे बीजेपी नेता। आपने देखा होगा अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह के उनके बयान आ रहे थे, जिस तरह के बयान बीजेपी के नेताओं के आते, ये एक करारा तमाचा है अहंकार के लिए भी। और कहीं ना कहीं बीजेपी को सीख लेना होगा कि हिंदू मुसलमान का खेल करके, लोगों में बंटवारा पैदा करके, लोगों में दोहराव पैदा करके, लोगों में जहर डाल के आप जीत हासिल नहीं कर सकते। हालांकि मेरा यह मानना है कि बीजेपी अपने इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल 2019 में भी करेगा। बीजेपी साल के अंत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी वो हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलेगा, जो समाज के लिए बहुत घातक है। मगर मुझे उम्मीद है कि वो अपने अहंकार पर काबू पाएंगे। जनता ने ये सबक सिखा दिया, ये संदेश दिया है कि वो विकल्पों की तलाश कर रही है, वो विकल्पों की तलाश कर रही है, और सिर्फ हिंदू मुसलमान करके लोगों का पेट नहीं भरेगा। आपने जो वादे किए थे 4 साल पहले, अब आपको उन पर अमल करना पड़ेगा। बीजेपी को चाहिए कि वो हिंदू मुस्लिम सरोकार से ऊपर उठे, सामाजिक सरोकार पर जोर दे, महिलाओं पर जोर दे, पिछड़े वर्गों पर जोर दे, और मुसलमानों में विश्वास पैदा करने के लिए अहम कदम उठाए। ये तमाम चीजें बीजेपी को करनी होंगी। बहरहाल बहुत ऐतिहासिक दिन था सियासत के लिहाज से, क्योंकि बहुत जरूरी है कि विपक्ष हमें बार बार यह परिचय देता रहे कि वो जिंदा है। यह प्रजातंत्र के लिए जरूरी है और यह सियासत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि खेल का मजा तभी आता है जब सामने वाला खिलाड़ी आपको चुनौती दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।